गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन कीव द फिजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर और वट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एज़ फार एज मैटर इज कंसर्न के मैटर जो है इसी की फिजिकल क्लासीफिकेशन दें या मैटर जो है ये कितनी स्टेट्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है तो आप देखिए फिजिकली मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स जैसे कि आपको पता है ये ऑलरेडी हम एट्थ और सेवन क्लास में इनका थोड़ा थोड़ा डिस्कस करती हैं नंबर वन सॉलिड नंबर टू लिक्विड एंड नंबर थ्री गैसेस अब कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं शुगर सेंड आयरन वुड एक्स्ट्रा दीज आल आर सॉलिड्स बिकॉज जितने भी ये आइटम जिनका नाम लिया हुआ है ये कुछ ना कुछ जगह पकड़ते हैं और थोड़े हाईली कंपैक्ट होते हैं नेक्स्ट वाटर मिल्क ऑयल अल्कोहल दीज आल आर लिक्विड्स, ये जितने भी हैं ये लिक्विड्स हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है they will attain the shape of a container in which they are put. Next, air, steam, oxygen, extra. As you know, these all are gases. The solids, liquids and gases forms of matter have different properties which are as under. Properties of solids. The solids have the following characteristic properties. Number one, solids have a fixed shape and a fixed volume. Solids cannot be compressed much due to closely packed particles in them. Solids have high densities. They are heavy because its particles are very close together. Solids do not fill their container completely. सॉल्स डू नॉट फ्लो बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर अनएबल टू लीव देयर फिक्सड पोजिशन तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी सॉलिड्स की हैं जिन जिन में इसने कहा कि सॉलेड की सबसे पहली फिक्सड शेप होती है इसका फिक्सड वॉल्यूम होता है फिर सॉलेड जो है इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नजदीक पे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ इनके बीच में जो गैप होती है वो काफ़ी कम होती है फिर सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है उसके बाद जो सॉलिड होते हैं इनको हम किसी कंटेनर में नहीं डाल सकते ज़्यादातर फिर सॉलिड्स जो होते हैं ये फ्लो इन फ्लो नहीं करते इनकी जो प्रॉपर्टी है वो फ़्लो की नहीं है जैसे लिक्विड की होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह जो है अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज नहीं करते नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड नंबर वन प्रोपर्टी लिक्विड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्सड शेप इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्सड होता है लेकिन इनकी जो शेप है वो फिक्सड नहीं होती है लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेसड लिक्विड जो होते हैं जैसे मैंने पहले कहा ये उस बर्तन की उस कंटेनर की उस चीज़ की शेप लेंगे जिसमें ये डाले जाते हैं लिक्विड्स कैन नॉट भी कंप्रेस्ड, लिक्व जो इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी स्पेस जो होती है काफ़ी कम होती है लिक्विड्स है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है ये मॉडरेट से हाई तक होती है अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस द गैसेस आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज गैसेस आर नीदर फिक्सड शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम इनका ना फिक्सड शेप होता है ना ही इनका वॉल्यूम होता है दीज एक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर ये जो होते हैं गैसेस ये एक्वायर करते हैं शेप शक्ल और वॉल्यूम जो होती है उस चीज की जिसमें ये डाले जाते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस जो होते हैं इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस बिटवीन द पार्टिकल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी गैस की डेंसिटी जो थी काफ़ी कम होती है गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग With high speed in all directions, gases flow easily because particles are completely free to move. मूव तो गैसेज जो होते हैं ये आसानी से बह जाते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी स्पेस होती है मूव करने के लिए थैंक यू